ये पीसीबी आई है। और दोस्तों अभी मैं वीडियो थोड़ा मेरी स्लो रहेगी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। उसके पीछे का कारण है कि इस समय इन्वर्टर की पीसीबी अब सीजन चालू हो गया है तो इसके लिए आना शुरू हो गई है। तो अभी मैं वीडियो थोड़ी मेरी देर से बनेगी। और अब देखिए कुछ चीज़ है कि अभी मैंने इसका पूरा निकाल दिया है सामान। और सामान निकालने का मेरा मेन मकसद यही है कि इसको मैं जब भी बताऊंगा आपको कि कहां कहां पे वोल्टेज कितना होना चाहिए और अगर वोल्टेज नहीं होता तो उस कंडीशन में कहां पे प्रॉब्लम होगी, तो उस हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अभी काम इतना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है इन्वर्टर का कि पूरा दिन मैं उसी में चला जाता है क्योंकि सर्च भी करना पड़ता है। तो अभी एक पीसीबी ये है और इसका कुछ तो इसमें E5 का एरर बताया गया है। तो E5 का एरर हो चाहे कोई भी हो तो सबसे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ और वोल्टेज चेक करते हैं फिर आगे देखते हैं। डीसी यहाँ तक आ रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे जो सप्लाई आती है तो SMPS की जो सप्लाइयाँ बनती हैं यहाँ पे लिखा रहता है। आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा 12 वोल्ट 5 वोल्ट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर पे यहाँ से ये आया है तो यहाँ पे रख करके और फिर ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं आ रही है तो सबसे पहले तो SMPS को ही देखना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये चॉपर का ही चूहों ने कटिंग कर दिया है। तो ये चॉपर बदल लेते हैं फिर चालू करके देखते हैं क्योंकि चॉपर ही मेन चीज़ है। तो चॉपर है ही नहीं, अब इसमें से ही निकालेंगे क्योंकि ये बोर्ड जो जितने भी बोर्ड हैं अपने पास इस बोर्ड का माइक्रो कंट्रोलर ही ख़राब है। और यही नहीं, यह बोर्ड साथ में एक कैरियर, नाम कुछ भी रहे सब एक ही बोर्ड है। ये कंफर्म मैंने कर लिया है। किसी में PC लिख करके आए चाहे P4 लिख करके आए उसे मतलब नहीं है। दोनों का 04 करके आए तब भी, PC4 करके आए तब भी सबका एरर एक ही है। तो मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ फिर दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के चालू करता हूँ और मैं बताता हूँ आगे। ये देखिए इसको यहाँ से कुतर डाले हैं सब, तो चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और इसको अभी भेज करके बनवाना पड़ेगा क्योंकि इस ये ज़्यादातर ख़राब होगा क्योंकि चूहा इसको छोड़ेंगे नहीं। ये तो कुतर ही डालते हैं जो उनको मिलता है, पता नहीं इसमें कौन सा टेस्ट मिलता है उनको। तो एक काम करिएगा कभी भी बनाते समय इस कैपेसिटर पे तो ये मत कोशिश करिए कि डिस्चार्ज करेंगे इसको, ऐसे एक जॉइंट करके रख दीजिए क्योंकि ये सबसे बड़ी फेलियर पॉइंट हो जाती है मैकेनिक के लिए कि बार बार उसको डिस्चार्ज करना ये समझ में नहीं आता है और मिस्टेक हो जाता है। मुझसे हो चुका है और बहुत नुकसान कर चुका हूँ। तो ये बोलूँगा कि सीरीज में 0 वाट का एक बल्ब को कंटिन्यू लगा के रखिए क्योंकि इससे एक बेनिफिट होगा कि जब भी आप करेंगे तो ये डिस्चार्ज कर लेगा, आपका सेफ रहेगा। ये यही सब छोटी छोटी पॉइंट होती है। तो चलिए मैं इसको अभी लगा लेता हूँ। और ये इसकी बाइंडिंग के लिए अभी इस पे जब मैं बात करूँगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर लगा है और इसकी बाइंडिंग ऐसे है। तो ये वाली जो है एक्जिलरी हो गई जो एक्जिलरी इस IC को चलाने के लिए रहेगी। और ये वाला जो है ड्रेन से इसके कनेक्ट होगा और जिस पे जो है पिक कराया जाएगा उसी से फ्रिक्वेंसी मतलब एक तरह से
प्लस और माइनस टच कराया जाएगा तो वोल्टेज बनेगा इस तरफ। और इसको निकालने का मेरा मेन मकसद यही था कि जब भी हम वोल्टेज की समस्या आती है तो इसके ऊपर पार्ट लग जाते हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ता है कि किस तरफ से ट्रैक गया है। और इसका सर्किट डायग्राम अगर मिल जाता है तब तो बेस्ट हो जाता है, लेकिन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, हम हाथ से ही इसके ड्राइंग कर लेंगे। जैसे ये आईसी है, ये आईसी है, तो कंपैरेटर कहाँ से इसका मैनेज किया गया है, जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से भी मैनेज किया गया, प्लस पॉइंट से यहाँ से लेकर के ये आया गया है यहाँ पे। और वैसे ही ये इसको चलाने के लिए जो गेट को ड्राइव देने के लिए पीएफसी कब वोल्टेज कम होगा तो कंपेयर होगी यहाँ से और ये कंपेयर होगा इस तरफ से, तो कंपेयर करके ये तभी चालू होगी। और ये कैसे चालू होती है उसका पूरा फंक्शन समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए जो भी अभी समझाने वाले हैं वो बताते हैं कंपेरेटर है, ये है, ये है, भाई ये तो सभी लोग जानते हैं, कब कहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए ये ज़रूरी मायने रखता है, कितने देर के बाद हो जाना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए ये ज़रूरी है। तो हम आपको जो भी करेंगे स्लो वीडियो रहेगी, मतलब स्लो का मतलब कि कुछ रुक रुक के आएगी, उसके पीछे का कारण आपको बता ही दिया हूँ। तो चलिए अब इसको हम डालते हैं, सेम SMPS वही SMPS है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके मामले में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ एक चीज़ है कि थोड़ा सेफ्टी का इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज एक IPM मतलब एक बोर्ड मैंने ख़राब कर दिया और थोड़ी सी गलती हुई, और गलती मानिए चाहे जैसे भी अभी क्या बोला जाए उसको, तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। और उसके पीछे का कारण यह है कि कभी मैं एकदम निचले स्तर पे आ जाता हूँ, निचले स्तर का बोले तो वॉशिंग मशीन की PCB थी उसको रिपेयर कर रहा था, फिर तब तक माइक्रोवेव का आ गया उसको सही करने लगा, फिर AC की PCB आ गई नॉर्मल AC की उसको सही करने लगा, और टेबल भी अभी बराबर अपने जगह पे एडजस्टमेंट बराबर है नहीं, आप देखेंगे तो बहुत साइड में कचरा जैसे पड़ा रहता है, और रिपेयरिंग पे कचरा रहेगा ही रहेगा तो स्वाभाविक है। तो ये मैंने जॉइंट कर दिया और ये सीरीज को ऐसे ही रखूँगा, और वोल्टेज भी चेक करते हैं, पहले मैं चालू करता हूँ और फिर वोल्टेज दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मेन मायने ही रखता है, वोल्टेज का सबसे बड़ा इशू होता है कि कब कहाँ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, तो अपने लिए ये समस्या बनती है चाहे कोई भी मैकेनिक हो, जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ पे तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जहाँ पे नहीं रहता है वहाँ पे समस्या बन जाती है। तो ये मेरे समस्या PCB ओके हो गई है अभी, क्योंकि इसका रिले ऑन हुआ है तो स्वाभाविक है कि, चलिए वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट ओके हो गया, यह भी हो गया, तो इसमें तो कुछ ख़राबी नहीं थी अगर बोला जाए तो, उसके अंदर कुछ ख़राबी नहीं है, क्योंकि जब SMPS ही बंद है तो स्वाभाविक है कि कोई कम्युनिकेशन होगा ही नहीं इंडोर से, तो इसके लिए ऐसा हुआ है इसमें। और ये रेडी है चलने के लिए, तो इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार, तभी फाइनल माना जाएगा अपने पास से। सिक्योरिटी काउंसिल की एक अगर जो इस PCB में, इस वाली PCB का या जो मैंने पहले दिखाया उसका, ये अलग अलग कंपनी का हो सकती है, ओनिडा का नाम बोलिए, वर्लपूल बोलिए, कोई भी बोलिए, A to Z, अगर इस मॉडल का है तो सबका कम्युनिकेशन का सिस्टम वही है, तो अगर इसमें भी फेलियर रहेगा, P0 का एरर, इसके यहाँ जो IPM को VF की एक सप्लाई होती है, वो बताऊंगा मैं डायग्राम में बताऊंगा कि वो वोल्टेज नहीं रहेगा तो A0 का एरर आएगा, 0 का एरर तभी आएगा जब वो फेल रहेगा, 1 का एरर तब आएगा जब यहाँ से फेलियर और ये वोल्टेज बराबर नहीं बन पाएंगे तो आएगा, 3 का मुझे मालूम नहीं है, वो जब सामने आ जाएगा तो उसको भी मैं बता दूंगा, 4 का भी अगर जो ड्राइव IPM ख़राब है तब भी आएगा,
कंप्रेसर के वायर अगर जो कोई मिस्टेक रहेगा बराबर प्रॉपर फीडबैक नहीं आ पाएगा, बाइंडिंग के अंदर जो इंडक्टेंस बनते हैं तो एक तरफ से जब ये सप्लाई जाएगी तो दूसरे मतलब दो वायर में जाएगी तो तीसरे के पास तो कुछ होगा, तीसरे में भी तो वो उसको यहीं पे सर्च करती है, मतलब अंदर ही सर्च होता है आईपीएम में ही वो तीन वायर के बीच में ही, और उसके अनुसार सिस्टम समझ जाता है कि कंप्रेसर चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अगर कंप्रेसर मैच नहीं होगा तो भी 04 का एरर आएगा। तो ये है। और दूसरा चीज़, जब तक आप इसको हाथ में लोगे नहीं तब तक ये बराबर आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत इसमें झेल चुका हूँ और देख रहा हूँ तो जो इंस्टीट्यूट हैं सिखाने वाले उनकी तो गजब लीला है। एक बोर्ड पे आप समझ जाएंगे तो मेरे समझ से ये बोर्ड जो है अभी 5-7 बोर्ड एक ही कंपनी जो कंपनियाँ हैं ये दो बोर्ड बन रही है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल इसको मान लें, क्योंकि अगर ऊपर आईपीएम लगा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकली ऐसे रहेगा, चाहे इस तरफ आईपीएम बैठ जाए और ऐसे, तो दो मॉडल में है अब तक तो मुझे, और सबका एक ही है, इसे वर्टिकल मान लीजिए क्योंकि आईपीएम ऊपर लगा है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोलता हूँ तो आप समझ जाइएगा, भले इसको अलग से मार्केट में क्या बोलते हैं वो अलग अलग तरीका रहता है बोलने का, तो उससे मैं मतलब नहीं रखता हूँ, और सबका एक ही है, एक है बोले तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे सब लोग ऑपरेट होने वाले हैं, सभी बोर्ड एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होंगे, चाहे ओनिडा का हो चाहे कोई भी हो। तो कंप्रेसर चल के अभी जो है उसके पीछे का कारण है, मैं 200 वाट में सीरीज लगाया हूँ और यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इसका मतलब यही है कि इसमें जो है मैं सीरीज में लगाया था इसके लिए, तो अभी मैं सीरीज को डायरेक्ट करता हूँ और फिर भी सीरीज में रहेगा क्योंकि 200 वाट में मैं सीरीज में रखा हूँ। 200 वाट सीरीज में रखने का मतलब है मेरा कि कंप्रेसर चले और अचानक ज़्यादा कुछ, क्योंकि कंप्रेसर मेरा अलग है, और इसका तो अगर एक तरह से देखा जाए तो जब आप बोर्ड आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे तो उस समय आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस बोर्ड पे कौन सा कंप्रेसर लगता है, क्योंकि कंप्रेसर भी अलग अलग है, तो कुछ समस्या होती है, क्योंकि अभी एक बोर्ड था मेरे पास तो उसके साथ में मुझे एक कंप्रेसर छोटा सा उसके साथ में अटैच करके, जो फ्रिज का था उसको अटैच करके, और इससे पहले भी वीडियो में बताया था, तो अटैच करना पड़ता है वो, इसलिए कि जब ये इंडक्टेंस बराबर नहीं मिलेगा तो ये समस्या होगी। तो दूसरा जब कंप्रेसर लगा देते हैं तो इंडक्टेंस मतलब उसका लगभग लगभग हो जाता है, तो सर्किट वो तरह से देखा जाए तो सर्किट समझ जाती है कि हाँ कंप्रेसर लगा है और चलने लगती है, तो ऐसा है। और मैं जो है ऐसे नहीं कि कहीं पे जा करके और ऐसी भाषा में समझाऊंगा, नहीं, अभी अगर इसकी बात हम करते हैं कंपरेटर की तो हमें ये नहीं बताऊंगा कि इस पे ऐसे है और ऐसे, हाँ ये बताऊंगा कि यहाँ पे सप्लाई रहनी चाहिए और यहाँ पे सप्लाई रहनी चाहिए, यानी निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, ठीक है। और कंपेयर का मतलब हो गया तराजू, तराजू में जैसे हम रखते हैं एक पलड़े में, अगर जो एक पलड़ा माइनस की तरफ जाता है तो हम बोल देते हैं बैलेंस नहीं है, इसका काम भी कंपरेटर का सेम तराजू का ही है, यहाँ से वोल्टेज के एक पलड़ा इधर हुआ और एक पलड़ा इधर हुआ, इस पलड़े को दोनों को मिला करके वो चलेगी, अगर इधर कम हुआ तो इसको बोलेगी कि माइनस है तो ये खुद ही स्वतः अपना बढ़ाना शुरू करेगा, अगर यहाँ से प्लस हो गया तो यहाँ पे ये प्लस होगा तो ये माइनस में जाएगा, फिर यहाँ से इसको बंद कर देगी कि नहीं अभी ये काफ़ी है, तो ऐसे इस तरह से, और ऐसे समझेंगे तो आसानी से समझ भी जाएंगे। थोड़ी समस्या है मेरे लिए क्योंकि बीच बीच में एक जो काम आ जाते हैं छोटे छोटे तो डिस्टर्ब करने लगते हैं, और डिस्टर्ब का जब काम हम कहीं पे कर रहे हैं तो हमको करके देना जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए मैं थोड़ा पोस्ट करता हूँ, जैसे ही चालू होता है मैं दिखाता हूँ आपको।